अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है न्यू ब्रीडिंग पेड्स पार्ट टू। पार्ट वन मैंने बनाया था भाई, उसका ये पार्ट टू है और इंशाल्लाह इसके बाद पार्ट थ्री भी आएगा। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन देख लीजिए, जिसमें हमने दो नए पेड़ लगाए थे घर के, और ये है भाई पार्ट टू जिसमें हम और दो पेड़ बताएंगे आपको जो नए फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, तो ये भाई जैसा आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट वाली फ़ीमेल है यहाँ पर और ये राइट वाला मेल है। थोड़ा सा मैं आपको इन कबूतरों का बैकग्राउंड दे दूँ, इन कबूतरों का नहीं इन जनरल ये ब्रीड का बैकग्राउंड दे दूं। इन कबूतरों को कासनी कबूतर बोला जाता है या स्लेटी कबूतर बोला जाता है। ये कबूतर इंडिया में भी पाए जाते हैं और पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर इनको इस कलर में पाया जाता है, इस कलर में ये कबूतर ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पर। और कमग्गरों में ये कबूतर बनते हैं जिनकी लाल आँख होती है। कभी कभी ये सियालकोटी कबूतरों में भी आ जाते हैं इस तरह के स्लेटी कबूतर। ठीक है, तो ये हो गया इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड पाकिस्तान साइड से। और अगर हम इंडिया साइड से बात करें भाई, तो हमारे पास कासनी या स्लेटी में बहुत सारे कलर है। हमारे पास पूरी बॉडी कासनी आती है, ठीक है, पूरी इसी कलर की होती है या इसी कलर की होती है, और लाल उस पर पट्टे आते हैं जैसे जंगली कबूतर को दो बैंड आते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इनको भी लाल बैंड आता है, लेकिन पूरा कबूतर कासनी होता है, वो भी इनमें शेड आता है। या इनमें कासनी छापदार आते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे छाप वाले होते हैं और थोड़े छापदार होते हैं, जो कम छापदार होते हैं। कासनी में भी कुछ डार्क वाले कासनी होते हैं, कुछ लाइट वाले कासनी होते हैं। ठीक है, तो ये ब्रीड में बहुत सारे कलर वेरिएशंस आपको आ जाएंगे, और ये ब्रीड बनी है रिसेसिव जीन के वजह से। स्लेटी कलर और लाल कलर जो होता है कबूतरों में वो रिसेसिव जीन्स होते हैं। तो जब भी कोई कबूतर मेल या फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर कासनी या स्लेटी पर होता है, तो कभी कभी वो रिसेसिव जीन डोमिनेंट जीन बन जाता है और बच्चे उन कबूतरों के स्लेटी या कासनी में निकल आते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, इसी तरीके से आपको कोई ना कोई तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए भाई, क्योंकि हमें 30,000 सब्सक्राइबर्स रीच करने हैं बाय द एंड ऑफ जुलाई। तो हमारे पास करीब करीब 30 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 30,000 सब्सक्राइबर्स रीच करने, और हमें करीब करीब 2,000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब हम इन कबूतरों का थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे और बैलेंस देखेंगे कि किस तरीके से मेल और फीमेल को बैलेंस किया गया है, ताकि जो इनके बच्चे आएंगे आगे से वो प्रॉपरली स्टेबल बच्चे रहें, ना उनमें कलर का कोई प्रॉब्लम आए, ना उनमें परों का या कोई भी स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो पहले हम मेल की आँख देखेंगे और मेल का शौक करेंगे, बाद में फीमेल का शौक करेंगे, इसके बाद मैं एक और दूसरा पेयर का भी शॉक करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो भाई ये जैसा देख सकते हैं आप, ये मेल है। मैं थोड़ा सा इसकी आंख पे फोकस कर दूं। ये मैंने करीब करीब एक साल पहले वीडियो बनाया था इसके ऊपर। ये देखिए भाई, ये कासनी कबूतर है। अब मैं फिर से, अब ये कहाँ का कबूतर, कौन से कबूतर, ऐसा कुछ बताऊंगा नहीं। आप ही मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सी नस्लों में से बना हुआ कबूतर है। ठीक है, ये देख लिया आपने इस आंख के जर्रात। ठीक है, अब मैं आपको इस आँख के ज़रात बताता हूँ। ठीक है, रुक जाओ मेरे बाबा। ठीक है, एक सेकंड, ये देखिए भाई इस आँख के ज़रात। ठीक है, तो ये भाई ज़रात इस मेल की आँख के, ये देख लीजिए भाई। ठीक है, ये देख लिया आपने। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके पर। पर इसके कटे हुए हैं क्योंकि ये कबूतर पुराना है, लेकिन ये इस घर पे उड़ा हुआ नहीं है। आप जैसा देख सकते हैं परों का स्ट्रक्चर उसी तरीके से, नौवा पर दसवें पर से बड़ा होता है। इस साइड भी आप देख लेंगे सेम हरकत रहेगी। टेल देख लीजिए आप कबूतर की। ठीक है, उसके बाद से आप पंजे भी देख सकते हैं, ये ले लीजिए पंजे। उसके बाद ये हो गया ऊपर से, चोंच भी आप देख लीजिए इसकी कौन से कलर में आई हुई है। उसके बाद मैं इसकी ज़बान भी बताता हूँ आपको। देखिए ज़बान, ये फ़ीमेल की ज़बान जब आपको बताऊँगा, जब मैं कुछ चीज़ बताऊँगा आपको। ठीक है, पलकें भी देख लीजिए आप। अभी मैं इसको छोड़ के फ़ीमेल का शौक करवाता हूँ। ये है भाई फ़ीमेल, जैसा आप देख सकते हैं आपके सामने। मैं फ़ीमेल की आंख थोड़ी सी क्लोज़अप करने की कोशिश करता हूं भाई। ये देखिए, ये देख लीजिए भाई, ये आंख है फ़ीमेल की। ठीक है, तो आपने मेल की आंख देखी थी, उसके ज़र्रात देखे थे, अब फ़ीमेल की आंख देख लीजिए। ठीक है, कैमरा में भाई इसकी आँख कुछ, बिल्कुल इसकी आँख का जो क्वालिटी है वो कुछ भी उठ कर नहीं आ रही बाहर सामने। मैं कोशिश करता हूँ फिर भी आपको थोड़ा सा बताने की। ये देखिए भाई, अगर आपको दिख रहा है प्रॉपरली, ये देखिए। ठीक है, ये भाई इसकी आँख थी। अब मैं इसके आपको पर बताता हूँ। ये देखिए पर, ठीक है, सेम चीज़ परों में आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे। इधर साइड भी देख लीजिए,
इधर तो कटे हुए हैं, ठीक है, एक ही पर है, टूट गया। अब ये दुम देख लीजिए, मेल की थोड़ी सी बंद थी लेकिन फीमेल की खुली दुम नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ी सी खुली हुई दुम है। और आप पंजे देख लीजिए फीमेल के, ठीक है, नाखून देख लीजिए। उसके बाद आप फीमेल की जो बीक है, चोंच है, वो भी देख लीजिए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये देखिए फीमेल की ज़बान, अगर आपको फोकस हो रहा है तो एक सेकंड मैं थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करता हूँ, अब शायद दिख जाएगा। ये देख लीजिए, ये जैसे उठाई है उसने, ठीक है। अब मैं आपको इसका डिटेल बताऊँ। हाँ भाई, तो डिटेल ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो कासनी कबूतर होते हैं उनकी कबूतरों की आँख में कासनी शेड आना चाहिए, पलकों में आना चाहिए, चोंच पर आना चाहिए, नाखून पर आना चाहिए, और यहाँ तक कि जो ज़बान होती है उनकी जो टंग होती है उस पर भी कासनी वाला शेड आना चाहिए, नाक की नॉस्ट्रल्स जो होती है उस पर भी आना चाहिए। तो इसी हिसाब से भाई ये पेयर सेट किया है यहाँ पर, थोड़ा सा बैलेंस करके आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि भाई आपको पेयर दिखा कैसा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आपको क्या अच्छा लगा इस पेयर में, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो क्यों अच्छा नहीं लगा, और कौन सा पेयर करना चाहिए था, ये आपको भाई ज़रूर बताना है इस पेयर के साथ। अब मैं आपको भाई दूसरे एक और पेयर का शौक करवाता हूँ। तो भाई ये एक और पेयर है जो सेट किया है, पहले इस मेल के साथ दूसरी वाली फ़ीमेल सेट की थी, लेकिन भाई फिर मैंने चेंज कर दिया और मैंने इसके साथ ये वाली फ़ीमेल सेट कर दी है। तो ये सेट करने का रीज़न ये है क्योंकि जो जैसा आप मेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मुझे उसी स्ट्रक्चर में लेकिन और थोड़ी सी दबे हुए स्टैंडिंग में कबूतर चाहिए, उतना स्ट्रेट वाला स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। ये जब फीमेल खड़ी होती है, ये देखिए आप, इस तरीके से मुझे स्ट्रक्चर चाहिए, उतना वाला नहीं चाहिए। तो इन दोनों के जो बच्चे रहेंगे वो जब दरमियान में आ जाएंगे तो उनका जो स्ट्रक्चर होगा भाई वो डिज़ायर्ड स्ट्रक्चर होगा। तो उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये वाला पेयर लगाया गया है, स्ट्रक्चर की बनावट को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चर एनहेंस करने के लिए ये पेयर लगाया गया है। और ये दोनों कबूतर दूसरी बार या तीसरी बार आ रहे हैं वीडियो में, ठीक है, पहले भी इस बड़े वाले मेल के ऊपर तो दो तीन वीडियो बन चुकी हैं। ये तो भाई रोमियो टाइप का कबूतर है, ये लाते ही घर पर टिक गया था और फीमेल्स का दीवाना है, ठीक है। और ये जो पट्ठा है भाई, ये तो बहुत ज़माने से इसके ऊपर वीडियो बन रही है, जब ये एक पर का था उस ज़माने से, जब ये घर से निकल गया था और दूसरे दिन ये पलट के आया था वापस, कमरे से निकलते ही ये कबूतर हाथ से छूट गया था और भाई दूसरे दिन ये वापस घर बैठा था। तो ये दो कबूतर है भाई घर का, ये तो पट्ठा घर का निकला हुआ है, और ये जो बड़ा वाला मेल है ये मोहम्मद भाई पेट स्टोर मल्लापल्ली से लाया गया है। तो मैं अब आपको इनका शौक भी करवाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको और भी दूसरी चीज़ें बताता हूँ कि मैंने ये पेयर क्यों सेट किया है। जैसा आप देखेंगे पेयर की स्टैंडिंग और बाकी सारी चीज़ें, मैं आपको थोड़ा सा इनका क्लोज़अप भी बताता हूँ। तो भाई ये हमारा मेल है, अब हम इसकी आँख देखेंगे, ये देखिए भाई पूरा अभी पर झाड़ का सीज़न है, ठीक है, इसी के वजह से कबूतर के जो पर है वो आपको इस तरीके से बिखरे हुए लग रहे हैं। ये भाई बड़ा मेल है, काफ़ी बड़ा मेल है, और मैं इसको लेकर आया था उड़ाने के लिए, लेकिन अभी मैं इसको डालूंगा ब्रीड में क्योंकि वैसे भी उड़ाने का जो सीज़न है वो ख़त्म हो चुका है, और ये डेफिनेटली ब्रीडर कबूतर है, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं नौवीं कली ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी आप लेंथ देख सकते हैं उसकी, दसवीं से बड़ी है। इस साइड के भी देख लीजिए और परों के अंदर की ट्रांसपेरेंसी देखिए भाई, आप अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो बीच बीच में मैं आपको ऐसे छोटे से टिप्स भी देते रहता हूँ कि परों के अंदर की ट्रांसपेरेंसी देखिए, आप मेरी उंगली नीचे देख सकते हैं पर के, ठीक है, इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी कबूतर के पर में मस्ट होती है। तो कबूतर जो उड़ने वाले होते हैं उनकी दुम में और उनके परों में ये चीज़ देखी जाती है, ट्रांसपेरेंसी। ये दुम है भाई कबूतर की थोड़ी सी खुली हुई, और भाई ये वाले पंजे हैं इसके, ठीक है, थोड़े से गंदे हो रहे हैं लेकिन भाई ये वाले पंजे हैं, और ये भाई कबूतर पूरा आपको सामने से दिख रहा है। अब मैं आपको फ़ीमेल भी पकड़ कर बताता हूँ। तो भाई ये फ़ीमेल है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसकी आँख है, पहले भी इसको बहुत बार वीडियो पे लाया गया है, लेकिन आप देख लीजिए ये इसकी आँख है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। इस साइड की भी आँख मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लीजिए भाई, ये इसकी इस साइड की आँख है, चोंच का साइज़ भी देख सकते हैं आप मेल और फीमेल के, ठीक है। उसके बाद ये इसके पर हैं, पर इसके ख़राब हो रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं झाड़ के नया ला रहा है पर पूरा, तो आप देखेंगे। ये भी बहुत ज़बरदस्त उड़ी हुई है भाई घर पे कबूतरी, ये भी फीमेल बहुत अच्छा टाइम दे चुकी है, 4 घंटे के ऊपर इसका टाइमिंग आता है घर पे यहाँ पे जब ये उड़ती है, और जब नीचे आती है तो नीचे आने के बाद करीब करीब आधे से एक घंटा ये इसी तरीके घूमती है नीचे, पूरा बैठने से पहले बहुत सताती है ये बैठने के लिए, ठीक है। तो ये भाई इसके पैर देखेंगे, दुम देख लिया आपने, तो भाई ये सामने से कबूतरी फिर एक बार है, मैं आपको इनका छोड़ के शौक करवाता हूँ। तो भाई ये पेयर है, तो आपको कमेंट्स में नीचे बताना है कि भाई आपको पेयर अच्छा लगा या नहीं लगा, अगर नहीं लगा तो क्यों अच्छा नहीं लगा, और अगर अच्छा लगा तो आपको इसका रिज़ल्ट क्या आते हुए दिखता है, क्या इसके बच्चे
उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे, कौन से कलर में आएंगे इसके बच्चे, सारी डिटेल आपको जो भी बतानी है आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपके कमेंट्स मुझे पसंद आए और आपकी लॉजिक बहुत अच्छी है तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा, या अगर आपकी कुछ लॉजिक है जो मुझे समझ नहीं आई तो भी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा कि भाई मुझे थोड़ा सा समझाइए। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने उन भाइयों के साथ जो कबूतरबाजी में नए आए हुए हैं। वीडियो भाई देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।